the internet is full of bro science fake knowledge half information or propaganda your quest of reliable authentic health information ends here so subscribe this channel and hit the bell icon and you never have to go anywhere else ever again so jassee like we bat first aid may basic substances are rui hai we have determine yes पहले प्रिजर्व लाइफ हमें लाइफ प्रिजर्व करने का फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है सेकंड इज प्रिवेंट फर्दर इंजरी एंड देन प्रोवाइड केयर प्रोवाइड केयर द एक्चुअल फर्स्ट एड सो ऐसे मोमेंट में आपको यह ध्यान रखना है कि प्रॉब्लम क्या है राइट सो चेक फॉर द सीन फॉर एनी डेंजर देन कॉल फॉर मेडिकल हेल्प देन प्रोवाइड केयर एंड प्रोवाइड केयर में अगर चोट है तो बैंडेज करोगे उसमें सबसे इंपॉर्टेंट अगर कहीं किसी को भी कहीं भी किसी भी एरिया में चोट लगी चोट लगने पे ब्लीडिंग हो रही एक्सेसिव ब्लीडिंग हो रही है तो सबसे पहला रूल है कि आपको आपको उस एरिया को स्टेडी रखना इंजर्ड एरिया को स्टेडी रखना है वो हिलना नहीं चाहिए जितना कम हिलेगा उतना बेहतर है यू नेवर नो अंदर बोन्स को क्या चोट लगी है अंदर अगर रीढ़ की हड्डी है वो कतई भी नहीं हिलनी चाहिए बहुत जरूरी है सेकेंड अगर हम वहां ब्लीडिंग हो रही है तो ब्लीडिंग को रोकने के लिए स्टराइल चीजें साफ सुथरी चीजें का इस्तेमाल करें थर्ड आप बैंडेजेस फर्स्ट एड की ढूंढ के इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर आ, कपड़ा साफ कपड़ा बांध सकते हैं और फर्मली बांधना होता है बैंडेजेस अगर हम बांध रहे हैं एकदम फर्मली और जहां भी बांध रहे हैं यहाँ पर बेसिक आता है मान लो चोट यहां है हमने बैंडेज बांध दिया तो आइडिया इस कि उसके आगे पल्स आ रही है कि नहीं आपने उसके आगे पल्स जरूर चेक करनी है अगर आपने इतनी टाइट बांध दिया कि आगे पल्स कट गई तो कुछ ही घंटों में वहां पर या कुछ ही मिनट टाइम पर वहां पर इंजरी होने लग जाएगी डैमेज होने लग जाएगा और ज्यादा पेन होगा और ज्यादा दिक्कत होगी तो पल्स आनी चाहिए रिमेंबर दैट ना दैट इज द बेसिक उसके बाद में अगर मान लो किसी को बर्न हो गया तो बर्न में क्या करोगे अगर कई बार आपको फर्स्ट डिग्री सेकंड डिग्री थर्ड डिग्री बर्न आती है उस केस में ये याद रखिए माइनर बर्न होता है तो माइनर बर्न के लिए तो ज्यादा एक कोल्ड कंप्रेश कोल्ड कूल कंप्रेशन आप लगा सकते हैं पानी के नीचे रख सकते हैं बर्न टिश्यू को और बर्न ना हो उसके लिए और अगर घर पे ही है तो घर पे आप प्लेन सिंपल किसी को माइनर बर्न हो गया तो पैरासिटामोल दे सकते हो एलोवेरा जेल लगा सकते हो ऐसी चीजें कर सकते हो और कोई एंटीबायोटिक क्रीम एंटीबायोटिक्रीमेंट लगा सकते हो जो उसके लिए बर्न में ज्यादा कुछ लेकिन सिवियर बर्न्स है तो पेशेंट को तुरंत से तुरंत हॉस्पिटल लेके जाना जरूरी है पेशेंट डिहाइड्रेट हो सकता है सिवियर इंजरीज हो सकती है इंफेक्शन हो सकता है सिवियर बर्न में तुरंत हॉस्पिटल लेके जाना है उसमें कोई <coughs> क्रीम खुद से लगाने का आपको कोशिश नहीं करना है पूरी बॉडी पे अगर बर्न है तो देन सबसे बड़ा सबसे इंपॉर्टेंट है सीपीआर हार्ट रिलेटेड इमरजेंसी पेशेंट बेहोश है या पेशेंट कोलैप्स हो गया पेशेंट अनकॉन्शियस हो गया हो सकता है उनकी पल्स नहीं मिल रही उनकी सांस नहीं चल रही उनकी uh, कुछ नहीं चल रहा होश में नहीं है राइट सो इवन इफ यू डोंट एनी काइंड ऑफ ट्रेनिंग इन सीपीआर एटलीस्ट यू नो कि क्या हो रहा है राइट right? चेस्ट में दबाना है राइट दे बेसिक थिंग है राइट सो व्हाट यू कैन डू इज प्लेस बोथ योर हैंड्स इन द सेंटर ऑफ द चेस्ट वन हैंड अबव द अदर ऐसे एक के ऊपर एक रखना है हाथ को और बाय द द हील ऑफ दिस से से इधर दबाना है दैट्स थिंग ठक ठक उसमें एल्बो स्ट्रेट रख के आप दबाओगे तो ज्यादा बेहतर है डजंट सो मच मैटर इन दिस काइंड ऑफ अ से द बेस्ट सिचुएशन तो होगा एल्बो स्ट्रेट रख के दबाना राइट प्रेस स्ट्रेट डाउन इन द चेस्ट मिडल बो चेस्ट ब्रेस्ट बोन पे आपको दबाना है यहां पे ऐसे रख के सो so यहाँ पे आपको दबाना है चेस्ट पे ब्रेस्ट बोन पे रिपीटेडली एट द रेट ऑफ एप्रोक्सीमेटली 100 टू 120 कंप्रेशंस पर मिनट मतलब एक सेकंड में दो बार ठीक 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 ऐसा एक सेकंड में दो बार करना है आपको याद रखिए 1 सेकंड में एप्रोक्सीमेटली दो बार कंप्रेशन तब तक चलते रहने चाहिए जब तक पेशेंट खुद तो उसकी खुद पल्स आने ना लग जाए जब तक वो अगर होश में आ जाए आपको हटाने ना लग जाए खुद से तब तक कंप्रेशन बंद नहीं करने हैं राइट कंप्रेशन ऑफ द चेस्ट बेसिकली करता क्या है हार्ट को बीट कराता रहता है तो ब्लड सप्लाई ब्रेन में जाता रहता है वाइटल ऑर्गन्स को जाता रहता है ब्रेन इंजरी क्योंकि सबसे पहले ब्रेन इंजरी हो जाती है ब्रेन डेड हो जाएगा पेशेंट और दिक्कत आएगी तो राइट तो. right? याद रखिए उसके बाद चेस्ट कंप्रेशन तब तक चलता रहेगा जब तक कोई और मेडिकल हेल्प आ नहीं जाती समझ रहे हैं आपको अगर आप थक गए तो किसी और को लगाइए कोई और थक गया तो कोई और पे लगाइए अगर माउथ टू माउथ ब्रीदिंग है वो बाद की बात है सबसे पहले प्रायोरिटी या किसी भी प्रकार की ब्रीदिंग सबसे प्रायोरिटी है चेस्ट कंप्रेशन सो बाकी फिर उसके बाद में नॉर्मली वो कहते हैं जब तीस बार कंप्रेशन करो और उसके बाद दो बार माउथ में आप फूक मार सकते हो बट आप ना मार के दूसरा कोई मारेगा तो ज्यादा बेहतर है ताकि दो लोग हो सबसे बेस्ट होता है कॉल फॉर हेल्प गेट हेल्प फिर अगर मान लो कोई और इमरजेंसी <coughs> आ जाती है जैसे किसी को नाक से ब्लीडिंग हो जाए नाक से ब्लीडिंग हो जाए या अगर समझो चलो नाक से ब्लीडिंग हो अगर किसी को हार्ट अटैक आ गया तो हार्ट की इमरजेंसी सबसे जरूरी अगर किसी को हार्ट अटैक आ गया अगर आपको लग रहा है आपको हार्ट अटैक आ गया किसी को हार्ट अटैक आ गया तो चीज़ है पहले हॉस्पिटल रश करना होगा लेकिन उस समय बेस्ट ऑप्शन होता है एक जो सॉर्बिट्रेट नाइट्रेट्स वाली दवाई होती है नाइट्रोग्लिसरीन वाली दवाई होती है ऐसी दवाएं तुरंत कई बार जो खून की नसें हैं उसको खोल देती है एक ही साइड इफेक्ट है उसका कि ब्लड प्रेशर एकदम से लो हो सकता है ब्लड प्रेशर लो होके चक्कर आ सकता है सो so आपको अगर आपके पास इंस्ट्रूमेंट है तो किसी भी पेशेंट जिसको छाती में दर्द हो रहा है उनका ब्लड प्रेशर पल्स रेट और ई सी दर्द से जल्द करवाना चाहिए इवन शुगर भी होना चाहिए सो ब्लड प्रेशर अगर नॉर्मल से थोड़ा भी ऊपर है तो आप नाइट्रेट या सोर्बिट्रेट जबान के नीचे दे सकते हैं गोली से खा सकते हैं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है और उनको आपने प्रोफेशनल हेल्प के लिए तुरंत लेके जाना है याद रखिए अगर कोई पेशेंट को सांस फूल रहा है तो ये हो सकता है हार्ट हार्ट अटैक के के साथ फेलियर भी होने लगा है उस केस में उनको बैठा के लेके जाइए सीधा नहीं लेटाना है और उस केस में कुछ भी चीज उनको पीने के लिए नहीं देनी है कई बार पानी वानी पीने से वो दिक्कत आ जाता है और अगर पेशेंट ऐसे सिचुएशन में बेहोश हो जाए तो आपको वापस सीपीआर कंटिन्यू करना है वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट इस चीज का आपको ध्यान रखना बहुत जरूरी है अगर कोई पेशेंट को मिर्गी का दौरा पड़ रहा है या कोई पेशेंट बेहोश हो गया है तो दो तीन चीजें और ध्यान में रखनी है कि पेशेंट सीधा लेटा हुआ ना रहे आपको पेशेंट को एक तरफ टेढ़ा करके लेटाना है लेफ्ट लैटरल पोजिशन में लेफ्ट लैटरल पोजिशन में लेटाने का यह फायदा होता है कि नंबर वन कि वो अगर मान लो स्टमक के सिक्रेशन कोई बाहर आते हैं उल्टी जैसा आता है तो वो सांस की नली में नहीं जाएंगे या कम चांसेस होंगे एस्पिरेट होने के और क्योंकि लेफ्ट लैटरल पोजीशन में आपका जो स्टमक होता है वो ऑलरेडी लेफ्ट जगह है तो लेफ्ट लैटरल पोजीशन में स्टमक नीचे आ जाएगा तो ग्रेविटी हेल्प करेगी राइट लैटरल पोजिशन में रिगर्ज होने के चांसेस बढ़ सकते हैं तो इसलिए लेफ्ट राइड उनको टर्न करना है और उनकी अगर तो कहीं चोट लग गई है तो चोट को अगेन जो हमने बताया चोट के जैसे सपोर्ट देना है तो दिस इज द बेसिक विच शुड नो यू विच यू शुड नो इन कार्डियक एंड एमरजेंसी इवन इन स्ट्रोक पेशेंट्स यही बेसिक होता है स्ट्रोक पेशेंट्स में बेहोशी आ सकती है तो आपको पल्स चेक करनी है ब्लड प्रेशर चेक करना है शुगर चेक करना है कई बार शुगर की कमी की वजह से पेशेंट बेहोश हो जाता है और शुगर अगर मान लीजिए उनकी सत्तर से 60 से कम है 70 से कम है तो वही कारण हो सकता है बेहोश पेशेंट को कुछ खिलाना नहीं आप बेहोश पेशेंट को आ, अगर कुछ खिला दोगे खासकर पिला दोगे तो वो सांस की नली में जा सकता है थोड़ा भी होश है तो उनको पूछो कि आप कुछ खा पाओगे चबा पाओगे तो उनके मुंह में कुछ डालो और प्रेफरेबली आप ग्लूकोस डाल सकते हो शुगर वाला जो ग्लूकोस आता है ना वो ग्लूकोस डाल सकते हो उनके अगर मुंह में अगर वो उसको इवन मुंह में रख ले एब्जॉर्ब कर ले तो एब्जॉर्ब हो जाता है राइट थोड़ा भी एक्टिविटी वरना हॉस्पिटल जाइए आईवी ग्लूकोस लगवाइए पेशेंट तुरंत ठीक हो जाएगा ये चीजें बेसिक होती है जो आपको समझनी है ब्लड प्रेशर अगर लो हो रहा है उसके वजह से दिक्कत हो रही है और पेशेंट बेहोश नहीं है तो आप उनको कैफीन चाय कॉफी या नमक पानी का घोल इलेक्ट्रोल पिला सकते हैं पेशेंट बेहोश हो गया ब्लड प्रेशर नहीं है तो कुछ पिलाना शिलाना नहीं उस तो समय हार्ट अटैक हो सकता है हार्ट फेलियर हो सकता है स्ट्रोक हो सकता है बहुत कुछ हो सकता है सो यू डोंट नो द सिचुएशन रश टू अ हॉस्पिटल आसपास के हॉस्पिटल में जाइए पहले ब्लड प्रेशर स्टेबलाइज करिए फिर आगे की बात आती है कुछ भी करने की सो so, ये हुई बेसिक्स कुछ टॉपिक्स uh, पे सो लेट मी टेल यू मैंने शायद एक चीज और उठाई थी नोज ब्लीड नोज ब्लीड में आपको सीधा बैठवाना है और उनको आगे की तरफ झुकाना है पीछे नहीं झुकना आगे तरफ झुकना है और थम और इंडेक्स फिंगर से को को पिंच पिंच करना करना है करना है और ये अप्लाई करके रखना है पांच मिनट के लिए पांच मिनट के लिए फिर छोड़ना है चेक करना है है तो नहीं फिर दबा सकते हो जब तक प्रेफरेबली ग्लव और दबा के आगे झुक के आगे हॉस्पिटल ले जा सकते हो दैट्स वॉट यू शुड डू इन नोज ब्लीड एंड अगर किसी मच्छर मक्खी पता नहीं है मधु मक्खी भी किसी किसी ने काट लिया तो हो सकता है आपको एलर्जिक रिएक्शन हो जाए ऐसे में एपिनेफ्रिन का इंजेक्शन आता है जो तुरंत से तुरंत लगना चाहिए अगर सीवियर इंजेक्शन सीवियर एलर्जी हो रहा है तो सो so इस चीज का ध्यान में रखिए और मेक श्योर कि आप खुद की सेफ्टी भी प्रायोरिटी रखें किसी को केयर देने से पहले सो प्लीज शेयर ऑल दिस इंफॉर्मेशन एंड मेक श्योर टू लाइक एवरी सिंगल वीडियो इन दिस चैनल थैंक यू